यहाँ पे मैं खुशी से आई हूँ, मुझे बड़ा शौक था और कमांडो को और इलीट फोर्स वालों को देख के तो मुझे भी यही मतलब शौक था कि ऐसे ही अगर लेडीज़ का भी आ जाए तो हम लोग जाएंगे। और आज इन मतलब मुझे शुक्र है कि मैं बेसिक वन का जो पहला दस्ता है 35 लेडीज समेत मैं भी शामिल हूँ। तारीख में भी आया है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान की खिदमत करनी है और एक इंसान पे मतलब एक मुसलमान के मुसलमान भाई पर हक है इसकी हिफाजत करना। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं तो उनको ठीक करने के लिए हमें जिस तरह भी हो हमें इसकी हिफाजत करने के लिए करना चाहिए और ये हर मुसलमान का फ़र्ज है, अहम फरीज़ा है। जब से मैं फोर्स में आई थी तब भी उन लोगों का सपोर्ट था मेरे साथ और अब जो इस ट्रेनिंग के लिए आई हूँ तब भी उनका सपोर्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कामयाबी से ये काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे मैं पहले फोर्स में थी तो हमने हैवी मशीन मतलब हैवी वेपन जो है वो यूज़ नहीं किए हुए थे, तो हमें मतलब डर लग रहा था कि पता नहीं ये कैसे फायर करेंगे और कैसे करते रहेंगे। तो यहाँ पर आके हमने जैसे मतलब माइनर मेजर किस्म के हथियार यूज़ किए, रैपलिंग किए, जोड़ो किए, उसके साथ साथ जो है ना हैवी वेपन मतलब जैसे जो है AGL 12.7 पर भी मतलब फायर किए। कमांडो मीन्स के हर मोमेंट हर जगह और हर हालात का मुकाबला करना होता है और कमांडो का मतलब ही यही है। तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि जो भी हालात आएंगे हर हर किस्म के हालात का मैं मुकाबला कर सकूँगी। पहले मुझे भी ये सख्त लग रहा था लेकिन अभी यहाँ पर जो हमें ट्रेनिंग मिल रही है वो सख्त भी नहीं लग रहा। अगर हम यही सोचें कि ये सख्त है ट्रेनिंग तो हम टेररिस्ट का मुकाबला फिर कैसे करेंगे। वी आर रियल कमांडो ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि हमने जो अपनी जो कुछ भी सीखा है तो मैं नहीं समझती कोई ऐसा इंसान हो जिसमें मुझसे ज़्यादा ताकत होगी और यहाँ हम ताकतवर से ताकतवर बन गए हैं। मतलब टेररिस्ट कुछ भी नहीं है लेकिन हमारा मुल्क जो उसके ज़िद में आया हुआ है और जब भी हमारे ज़रूरत पड़े हम अपना मतलब खून देने के लिए भी तैयार हैं।